दोस्तों, गर्मी में रहना किसको ही पसंद होगा। ये मेरा दोस्त ही है जो कि तपती गर्मी में बिल्कुल राजाओं की तरह फीलिंग लेना चाहता है। लेकिन यार, राजा को भी तो गर्मी लगती होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को वर्ल्ड की टॉप 5 हॉटेस्ट ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि बाहर निकलने पर सभी की हालत और पतलून दोनों ही गीली पड़ जाती है। और दोस्तों, इन जगहों पर कई बार बाथरूम जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। मगर क्यों? वैसे मेरा दोस्त तो अपने गर्म पानी से ही साफ करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीआरडीएस फैक्ट के साथ फिर से एक नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो दोस्तों, टॉप 5 हॉटेस्ट प्लेस में नंबर 1 पर आता है सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका। दोस्तों, इस जगह का नाम दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है और सहारा रेगिस्तान में जो रेगुलर तापमान रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ पर मैक्सिमम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अरे रुकिए रुकिए, खास बात तो अभी भी बाकी है। सहारा रेगिस्तान के सतह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड भी किया जा चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा है। और खास बात तो ये है कि यहाँ पर साल भर में 100 मिलीलीटर से भी कम बारिश होती है। तो दोस्तों, मैं तो अगले वीकेंड में यहीं की टिकट करवा रहा हूँ। अगर आप सभी को चलना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तो यहाँ की लड़कियों से जल जल कर उब गया हूँ। अब सहारा रेगिस्तान में जाकर अपना सब कुछ जलाऊंगा। अब इसी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है डेथ वैली, कैलिफोर्निया। और यही जगह 10 जुलाई 1931 को सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड भी बना चुकी है, जहां पर 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान को मापा गया है। और यही जगह 10 जुलाई 1931 को सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड भी बना चुकी है, जहां पर उसी समय डेथ वैली में फर्नेस क्रिस नामक स्थान पर मैक्सिमम टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस तक था, जो कि बहुत ही ज्यादा है क्योंकि हमारे इंडिया में 48 डिग्री सेल्सियस से भी लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो अब आप सभी समझ ही गए होंगे कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती होगी डेथ वैली में। और यहां के लोग कन्फर्म है इस सॉन्ग पर डांस तो जरूर करते होंगे। वैसे इस जगह का बहुत ही ज्यादा गर्म होने का कारण ये भी है कि यहाँ पर घाटी की गर्म हवाएं बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये सारी हवाएं घाटी में फैलती रहती हैं। और इसके अलावा डेथ वैली के बगल में रेगिस्तान भी है और जिसकी वजह से यहाँ पर गर्म हवाएं आती रहती हैं। डेथ वैली के जली स्रोत में से ह्यूमिडिटी निकलती है, जिसके कारण डेथ वैली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक गर्मी पड़ती है और जिससे लोगों की चली जाती है जान। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है जहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु यानी पृथ्वी पर उपस्थित हर एक प्रकार के जानवर को खाया जाता है। वैसे मैंने इतना बोल दिया तो आप सभी समझ ही गए होंगे हम सभी किस कंट्री के बारे में बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, चीन के बारे में। दोस्तों, फ्लेमिंग माउंटेन चीन भी दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है और यह स्थान टकलाम के रेगिस्तान के उत्तरी इलाके पर स्थित है। इस जगह का नाम फ्लेमिंग माउंटेन कुछ पहाड़ियों की वजह से पड़ा है जो कि सिनजियांग प्रांत के तियान शान में स्थित लाल सैंडस्टोन की पहाड़ियों को फ्लेमिंग माउंटेन या हुओयान माउंटेन भी कहा जाता है। फ्लेमिंग माउंटेन में गर्मियों के दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि 2008 में इस मोहल्ले में 66.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। नंबर 4 और नंबर 5 वाले प्लेसों के बारे में जानने से पहले, अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लग रही है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट तो जरूर करो यार कि आप कौन से स्टेट से हमारी वीडियो को देख रहे हो और आप कहां से देख रहे हो ये जरूर बताओ। और हां, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद उस लाल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है ला अजीजिया, लीबिया। लाबिया के उत्तरी पश्चिमी इलाके में स्थित जाफरा जिले में ला अजीजिया एक छोटा सा कस्बा या इलाका है और इस इलाके का नाम दुनिया के सबसे गर्म प्लेसों में से एक है। इस जगह का ज्यादातर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, बट 13 सितंबर को 1922 में इस जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जो कि यहां का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात थी। परंतु बाद में WMO विमो विश्व मौसम संगठन ने 2012 में इस बात को गलत बताया क्योंकि उस समय इस इलाके में तापमान मापने की सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी। लेकिन ये बात तो सही है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। और लास्ट में नंबर 5 पर आता है सनोरन रेगिस्तान, अमेरिका। दोस्तों, ये रेगिस्तान अमेरिका के उत्तरी मेक्सिको तक फैला हुआ है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजर वाली गर्मी पड़ती है और यहाँ पर अधिकतर पौधे कैक्टस के होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर होते हैं। सनोरन रेगिस्तान एरिजोना प्रांत में स्थित है और इस जगह पर दुर्बल जगुआर भी देखे जाते हैं। दोस्तों, इस जगह का रेगुलर तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस में से एक है। दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ गर्म जगहों वाले
ठंडे स्थान जहां पर गर्मी का मजा लेने आप सभी को जाना चाहिए। अगर आपको पसंद है गर्मी तभी जाना। अगर आप सभी को गर्मी बहुत ही ज्यादा पसंद है तो इन जगहों का टिकट फटाफट कटवा लीजिए, क्योंकि अभी तो जून का ही महीना स्टार्ट हुआ है। वैसे मैं तो हर जगह घूमना चाहता हूँ, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे यार मैं नई नई जगह जाना चाहता हूँ, नई नई लड़कियों से बात करना चाहता हूँ। वैसे लड़कियों से तो मैं दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता ही नहीं, क्योंकि हर जगह पर ये तो जरूरी मिल जाती हैं। तो दोस्तों हम सभी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए BRDS चैनल के डेली शॉर्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी करके जाओ।